प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द फोर्स ऑन अ चार्ज इज इक्वल टू द वैक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस, वैक्टर सम ऑफ फोर्स बाय ऑल द चार्जेस। On that charge. तो हमने क्या कहा कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे चार्जेस, ठीक है, ये हमने एक सिस्टम ले लिया और इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस जैसे Q1, Q2, Q3, Qn चार्जेस हैं, ठीक है, जिनके पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर R3 वेक्टर और इसका पोजीशन हमारे पास Rn वेक्टर है और हम फाइंड करना चाहते हैं इस Q0 पर फोर्स, ठीक है, जो कि हमारे पास R0 पोजीशन वेक्टर पर है, ठीक है, तो इस पर हम क्या करना चाहते हैं, फोर्स फाइंड करना चाहते हैं। तो इस पर फोर्स फाइंड करेंगे तो हम क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फोर्स ऑन अ चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्स बाय ऑल द चार्ज ऑन दैट चार्ज, यानी कि इस पर लगने वाला जो फोर्स है वह सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होता है, यानी कि Q1 Q0 पर, Q2 Q0 पर, Q3 Q0 पर, Qn Q0 पर जो फोर्स लगा रहा है उन सभी फोर्स को हम निकाल कर उनका क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, तो वो क्या कहलाता है, आपके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है, ठीक है। तो Q0 पर टोटल चार्ज हमारे पास आ जाए, तो यहां लिख देते हैं, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम हैविंग चार्जेस Q1, Q2, Q3, Qn एट द पोजिशन वेक्टर R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, Rn वेक्टर। सो द रिजल्टेंट फोर्स F वेक्टर इज इक्वल्स टू, या F नॉट बोल दो भाई, Q0 पर पता कर रहे हैं ना, रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q0, तो हम क्या बोलेंगे, F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस F0n वेक्टर, सभी का क्या कर देंगे हम, वेक्टर सम कर देंगे। F01 निकालना है मतलब इन दोनों के बीच में निकालना है, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, तो हम बोल देंगे KQ1 Q0 अपॉन R01 स्क्वायर, इसके लिए निकालेंगे तो KQ2 Q0 अपॉन R02 स्क्वायर प्लस KQ3 Q0 अपॉन R03 स्क्वायर
डैश डैश करके यहाँ पर के क्यू एन क्यू नॉट अपॉन आर नॉट एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ नॉट रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज। ठीक है, अच्छा अगर मैं क्यू नॉट की जगह क्यू वन चार्ज पर फोर्स निकालना चाहूं तो क्या बता सकते हो कि क्या होगा क्यू वन पर? तो हम क्यू वन पर क्या बोलेंगे कि इस सिस्टम में जितने भी चार्जेस है ना वो क्यू वन पर फोर्स लगाते हैं। तो हम क्या बोल अब क्या निकालेंगे, क्यू नॉट क्यू वन पर कितना फोर्स लगा रहा है, क्यू टू क्यू वन पर कितना फोर्स लगा रहा है, क्यू थ्री क्यू वन पर कितना फोर्स लगा रहा है, क्यू एन क्यू वन पर कितना फोर्स लगा रहा है। जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका क्या कर देंगे हम, वेक्टर सम कर देंगे, और वेक्टर सम करेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो हम एट लिख देंगे यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर वेक्टर सम का मतलब क्या है, आर वन टू के आर जीरो टू के आर जीरो थ्री के और यहाँ पर क्या आ जाएगा आर जीरो एन के। डायरेक्शन के साथ लेनी है भाई, क्या लेनी है डायरेक्शन के साथ ले, ये क्या हो जाएगा वेक्टर सम हो जाए। ठीक है, फोर्स ऑन क्यू वन चार्ज, फोर्स ऑन क्यू वन चार्ज ये भी लिख देते हैं हम ताकि हमें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। तो एफ वन वेक्टर कितना होगा, तो एफ वन जीरो वेक्टर, एफ वन टू वेक्टर, वन वन नहीं आएगा भाई, खुद खुद चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता, क्यू क्यू वन पर कैसे फोर्स लगा सकता है, नहीं लगा सकता। तो एफ वन टू वेक्टर, एफ वन थ्री वेक्टर प्लस एफ वन एन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ एफ वन फोर्स कितना आ जाएगा के क्यू वन क्यू नॉट अपॉन आर वन जीरो स्क्वायर आर वन जीरो कैप प्लस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू स्क्वायर आर वन टू कैप प्लस के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री स्क्वायर आर वन थ्री कैप प्लस यहां क्या आ जाएगा एट लास्ट के क्यू वन क्यू एन अपॉन आर वन एन स्क्वायर आर वन एन के। ठीक है, सिमिलरली अब जस्ट जनरल इक्वेशन निकालते हैं, फोर्स ऑन क्यू एन चार्ज, क्यू एन कोई सा भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, टू भी हो सकता है। ठीक है, तो क्यू एन चार्ज पर फोर्स निकालें तो एफ एन वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू एन क्यू नॉट अपॉन आर एन नॉट स्क्वायर आर एन नॉट के क्यू एन क्यू वन अपॉन आर एन वन स्क्वायर डॉट आर एन वन के क्यू एन क्यू एन माइनस वन अपॉन, अच्छा पहले थ्री लिख देते हैं फिर एन माइनस वन लिख देंगे, तो आर एन थ्री कैप स्क्वायर आर एन थ्री कैप प्लस डैश डैश कर देना यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा के क्यू एन क्यू एन माइनस वन अपॉन आर एन एन माइनस वन स्क्वायर आर एन एन माइनस वन के। ठीक है, एक कम होगा भाई उससे, एन तो मैक्सिमम है, एन प्लस वन तो हो नहीं सकते हैं चार्जेस, एन ही चार्जेस हैं, तो हम क्या कहेंगे एन वन माइनस वन पर तक हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको हम समेशन में लिख देते हैं भाई, तो समेशन क्या लिखे हैं, समेशन आई इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन। ठीक है, के क्यू
एन क्यू आई अपॉन आर एन आई स्क्वायर आर एन आई के, ये हमारे पास जस्ट जनरल फॉर्मूला हो जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। ठीक है, ये लिख दो फटाफट। ये क्वेश्चन है भाई, फाइव चार्जेस हैं, फाइव इक्वल चार्जेस आर प्लेस एट द एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 0, 2, 4, 8 and 16 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 20 माइक्रो कूलम, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज विच इज प्लेस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें हमें केवल एक एक्सिस दे रखा है, एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पर हमारे पास 0, 2, 4, 8 एंड द लास्ट इज 16 सेंटीमीटर पर चार्जेस प्लेस्ड किए हुए हैं। इस पर जो चार्ज है वो क्यू है, इस पर चार्ज क्यू है, इस पर भी क्यू है, इस पर भी क्यू है और इस पर भी क्यू है, क्योंकि इक्वल चार्जेस हैं। और क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, तो 20 माइक्रो कूलम। 20 माइक्रो कूलम को हम कूलम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10^-6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है 2 पर, इस 2 वाले चार्ज पर फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इस पर जो फोर्स फाइंड करेंगे तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि हम जो फोर्स फाइंड कर रहे हैं वो 2 पर फाइंड कर रहे हैं, तो जो फोर्स लगेगा वो 2 की डायरेक्शन में लगेगा। जैसे अगर मैं बात करूं 0 से, इस 0 वाले से फोर्स लगेगा तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा, अगर इस 4 वाले से फोर्स की बात करूं तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो डायरेक्शन मैटर करती है जब भी फोर्स निकालता है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 पर फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन चार्ज विच इज प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर f वेक्टर इज इक्वल टू, तो हम बोल देते हैं k, इसका q, ये वाला भी q, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, तो 2 - 0 कितना आया, 2 सेंटीमीटर इंटू 10^-2 का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, इसी डायरेक्शन में। ठीक है ना, प्लस, अच्छा इसमें अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं तो हमें समझ में आ रहा है कि इस डायरेक्शन में सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी सारे इस डायरेक्शन में यानी कि नेगेटिव। तो इसको मैं पॉजिटिव एक्स केप लिख देता हूं, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि हम डायरेक्शन लेते हैं ना, तो ये वाली एक्स डायरेक्शन लेते हैं, इधर माइनस एक्स लेते हैं, तो मैं इधर प्लस एक्स कैप लिख देता हूँ। ठीक है, के इन दोनों के बीच में क्यू क्यू अपॉन इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगी वो 2 × 10^-2 का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूँ माइनस एक्स कैप इन दोनों के बीच में। अब ये वाला बीच में नहीं, इन दोनों के बीच में निकाल देना, इन दोनों के बीच में निकालना है, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, के क्यू क्यू अपॉन इन दोनों के बीच में कितना होगा, 8 - 2 = 6, 6 × 10^-2 का होल स्क्वायर, यहां पर भी क्या होगा, माइनस एक्स के प्लस। अब इन दोनों के बीच में निकालना है तो के क्यू क्यू अपॉन इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 14 × 10^-2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स के। ठीक है, अब क्यू तो हमारे पास कितना दे रखा है, 20 × 10^-6 कूलम
स्क्वायर और हो रहा है, के की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए भाई। तो जो भी कॉमन आ रहा है उसको तो कॉमन ले लो, बाकी बचा जो अंदर ले लो, ठीक है ना। तो हम एफ वेक्टर लिखते हैं, तो के तो बाहर आ गया, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे 10^-2 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और अगर 2 कॉमन लेना चाहो तो 2 भी कॉमन ले सकते हो। तो 2 × 10^-2 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया, 1 बचा ओनली प्लस का, या माइनस आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये भी पूरा का पूरा ही कॉमन आ गया, -1 प्लस, प्लस क्या माइनस ही लिखो इसको, ठीक है ना। के क्यू क्यू स्क्वायर तो कॉमन आ गया, यहां से 2 कॉमन आ गया, बचा कितना 3, तो 1/3 का होल स्क्वायर। इधर कितना बचा, माइनस 2 कॉमन आ गया तो 7 बचा यहाँ पे, तो 1/7 का होल स्क्वायर ये बच रहा है भाई, ठीक है ना। या आप ऐसा बोल दो एक्स केप, और यहां पर भी क्या हो जाएगा एक्स केप। तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो रहा है, एक प्लस का एक माइनस का। यहां पर हम क्या बोल देंगे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 9 × 10^9, क्यू की वैल्यू है 20 × 10^-6 का होल स्क्वायर, यहाँ बच रहा है 2 × 10^-2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1/9 प्लस 1/49 और माइनस एक्स केप बाहर ले लेता हूँ। मतलब क्या हो गया, माइनस एक्स केप क्या बता रहा है कि आपके जो फोर्स लगेगा ना रिजल्टेंट, वो इधर लगेगा, इधर नहीं लगेगा, ठीक है ना। और सॉरी उल्टा, इधर लगेगा इधर नहीं लगेगा, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में माइनस है तो माइनस इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आपके फोर्स लगेगा रिजल्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लेना, लगभग जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके 1.18 × 10^3 न्यूटन, ठीक है। तो ये फोर्स रहेगा आपके पास, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो जो फोर्स आएगा वो कितना होगा, 1.18 × 10^3 न्यूटन। आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया हो तो एक और क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कल क्वेश्चन ही करेंगे इसके, और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट।